हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एम बताऊंगा जो सी बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है तो वीडियो को कंप्लीट देखना पहला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन है जो इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं है पहला है जीरो बी है टू बाई सी है माइनस और डी है फिफ्टीन ठीक है तो पहले बता दूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से लेकर एक के बीच में ही होता है मतलब जीरो और एक के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होता है अगर जीरो से नीचे होता है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है और एक से ऊपर होता है तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है तो इसमें जीरो पॉइंट सेवन प्रोबेबलिटी है ठीक है टू बाई थ्री भी है क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स तो ये भी प्रोबेबिलिटी है सी माइनस में है तो ये इसका प्रोबेबिलिटी नहीं है ये नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ठीक है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हिच आर द फ्लोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसमें पूछा इन चारों में से कौन है जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है ए माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं क्योंकि ये माइनस में है ठीक है बी है वन पॉइंट जीरो जीरो फोर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वन से बड़ा है सी है एटीन बाई ट्वेंटी थ्री ये सही है ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्योंकि ये एटीन बाई ट्वेंटी थ्री है जो जीरो पॉइंट समथिंग है मतलब जीरो और वन के बीच में लाई करता है इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है डी भी नहीं हो सकता क्योंकि एट बाई सेवन है तो ये वन पॉइंट कुछ आएगा तो ये वन से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ये भी इसका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता तीसरा सवाल है एन इवेंट इज़ वेरी अनलक्की टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ क्लोज टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो वन जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन या ज़ीरो पॉइंट वन इसका सही आंसर होगा ए ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो वन इसका सही आंसर है फोर्थ क्वेश्चन है आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर्स वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर ठीक है इसमें बोला है कि वन डिजिट प्राइम नंबर में से एक नंबर को सेलेक्ट करना है जो इवन नंबर हो ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए इसमें बोला है वन डिजिट प्राइम नंबर तो वन डिजिट प्राइम नंबर होता है टू थ्री फाइव सेवन ये वन डिजिट प्राइम नंबर है इसमें बोला इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी तो इवन नंबर इसमें टू है एक ही है तो लिखेंगे वन बाय टोटल कितने हैं फोर है तो वन बाय फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है वन बाय फोर फिर पांचवा सवाल है वेन डाई इज़ थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन थ्री इसमें पूछा है कि एक डाई फेंका गया और इसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ये थ्री से कम हो तो डाई फेंकेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा वन आएगा टू आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें बोला है ऑड नंबर थ्री से कम तो थ्री से कम ऑड नंबर एक ही वन ही है ऑड नंबर क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं होता है तो वन इसका ऑड नंबर है तो वन एक है तो वन बाय सिक्स इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए सही आंसर है वन बाई सिक्स फिर छठा सवाल है रश्मि हैज़ अ डाई हुज सिक्स फेस शो द लेटर्स एज गिवन विलो रश्मि के पास एक डाई है जिसमें छः फेस है ए बी सी डी ए सी ये छः फेस है टोटल इसमें छः लेटर हैं पूछा आपसे इफ़ सी थ्रू द डाई वंस अगर रश्मि एक बार डाई फेंकती है थ्रो करती है तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी तो सी आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो सी इसमें दो बार आ सकते हैं दो है तो इसका आंसर हो जाएगा टू बाय सिक्स इसको कैंसिल करेंगे तो वन बाय थ्री आ जाएगा तो वन बाय थ्री ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अगला सवाल है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स द इवेंट ई इज डेट द कार्ड ड्रॉन इज़ नॉट अ फेस कार्ड द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई टोटल कार्ड फिफ्टी टू होते हैं ठीक है और फिफ्टी टू में से फेस कार्ड जो होता है वो बारह होता है फेस कार्ड इसमें पूछा है नॉट फेस कार्ड का फेस कार्ड होते हैं बारह इसमें नॉट का पूछा है तो आपको क्या करना है फिफ्टी टू में से बारह को माइनस कर देना है कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई चालीस आ जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फिर अगला है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इज पी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी जब आपसे कम्प्लीमेंट्री पूछे तो आपको आंख बंद कर वन माइनस पी यहाँ पर जो भी इवेंट दे रखा होगा वो यहाँ पर लिख देना वन माइनस पी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल है इन अ फैमिली ऑफ थ्री चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय एक फैमिली में तीन बच्चे हैं तो कम से कम एक लड़के आने की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है ठीक है तीन बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है देखिए या तो तीनों बॉय हो सकता है या दो बॉय एक गर्ल हो सकता है बॉय गर्ल बॉय हो सकता है या एक गर्ल दो बॉय या तीनों गर्ल्स हो सकती है या दो गर्ल्स एक बॉय गर्ल एक गर्ल्स बॉय गर्ल फिर गर्ल्स गर्ल्स गर्ल, बॉय गर्ल. ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर तीन बच्चे हैं तो ठीक है तो टोटल इसमें आठ हो गए आउटकम्स इसमें पूछा ऐट लीस्ट वन बॉय कम से कम एक लड़के का होना तो इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें, एक भी, है, इसमें भी एक है इसमें भी एक भी नहीं है ठीक है इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें भी एक है तो मतलब सात सात ऐसे है जिसमें एक एटलीस्ट वन बॉय है तो इसका आंसर हो जाएगा सेवन बाय टोटल आठ है तो एट तो सेवन व एट इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वन टू थ्री टू फिफ्टीन इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ फोर इसमें बोला है कि नंबर दे रखा है एक से लेकर पंद्रह तक और इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है मल्टीपल्स ऑफ फोर मतलब फ़ोर के मल्टीपल्स जो होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फोर का मल्टीपल्स क्या क्या होगा फोर होगा एट होगा ट्वेल्व होगा सिक्सटीन तो होगा नहीं क्योंकि फिफ्टीन तक ही है तीसरा क्या आ गया थ्री बाय फिफ्टीन एक चार आठ बारह तीन आ गया टोटल फिफ्टीन है तो थ्री बाय फिफ्टीन इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन फाइव तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है द प्रोबिलिटी डैट आर नॉन लिपियर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन फिफ्टी थ्री मंडे इज इसमें पूछा है कि नॉन लिप ईयर इसमें से फिफ्टी थ्री मंडे को सेलेक्ट किया गया है तो इसकी प्रोबेबलिटी क्या हो सकती है ठीक है तो इसका सही आंसर होगा वन बाई सेवन इसके बाद अगला सवाल है अब बैक कंटेन सिक्स रेड वॉल एंड फाइव ब्लू वॉल्स वन बॉल इज ड्रॉन ऐट रैंडम द प्रोबेबलिटी डैट द बॉल इज़ ब्लू एक बैग है जिसमें छः रेड बॉल है और पाँच ब्लू बॉल है तो इसमें ब्लू बॉल की आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ठीक तो तो है तो टोटल कितने बॉल्स है सिक्स प्लस फाइव ग्यारह टोटल ग्यारह बॉल है ब्लू बॉल का पूछा है ब्लू बॉल पाँच है तो पाँच बट्टा ग्यारह तो फाइव बाई अलेवन इसका आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इसके बाद अगला सवाल है वन अल्फाबेट इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ ववेल सबसे पहले वॉवेल्स क्या होता है ए ई आई ओ यू तो मैथमेटिक्स में से हमें वॉवेल्स आने की प्रोबेबलिटी पूछा है इसमें टोटल कितने लेटर है ग्यारह है तो टोटल तो ग्यारह हो गया अब इसमें से वॉवेल्स पूछा तो है तो ववेल्स है ए आई चार हो गया तो चार बट्टा ग्यारह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला सवाल है टू क्वाइंस आर टॉस सनिस दो सिक्का को टॉस किया गया द प्रोबलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हैड तो अधिक से अधिक एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हैड आने की प्रोबेबलिटी क्या हो सकती है जब दो सिक्का उछालेंगे तो या तो दोनों हैड आएगा या एक हैड आएगा एक टैल आएगा एक टेल आएगा एक हीड आएगा, 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 आएगा या दोनों टैल आएगा इसमें पूछा एट मस्ट वन हेड कम से ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए इसमें भी एक है इसमें भी एक इसमें भी एक क्या हो गया थ्री बाय फोर तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है आई होप आपके सारे सवाल समझ आ गया होगा वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन प्रेस कर लेना धन्यवाद